फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी चाहते हैं कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग करने, तो हमारे वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, हम यहां से अपने पी कार्ड में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से फिर ओल्ड फोटो में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड को ले लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम फिर से जाएंगे अपना ये इसमें, उसके बाद यहाँ से अपना क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स, हम अपना क्वालिटी बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा फ़ोटो फटे नहीं और अच्छे से HD टाइप का होए। और फ्रेंड्स, फिर से हम चलेंगे इसमें और उसके बाद थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड को थोड़ा कट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा और फोटो बड़ा हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने एड फोटो में और उसके बाद हम यहाँ से अपने फ़ोटो को लेते हैं, उसके बाद अपना फ़ोटो को यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेते हैं अपने हिसाब से। और थोड़ा सा कट करके यहाँ से हम सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर से फ़ोटो को अपना जूम करके और इस ब्रश वाले में क्लिक करके अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से अपना बैकग्राउंड हम रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फ़ोटो रिव्यू हो गया। तो फिर यहाँ से हम अपने फ़ोटो को सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रेंड्स यहाँ से ब्रश वाले में जाएंगे और यहाँ से अपने हिसाब से ये रख लेते हैं ताकि वहाँ से हमारा फ़ोटो कुछ ज़्यादा बेहतरीन दिखे। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा हम ब्रश कर लेते हैं ताकि लगे कि इस बैकग्राउंड के साथ में ही मेरा फ़ोटो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अब हमारा फ़ोटो हो गया। अब यहाँ से हम हेड फोटो में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से अपना फाइल में जाएंगे और यहाँ से एक हम PNG यूज करेंगे और ये ब्लैक टाइप का PNG है जो कि हम यहाँ पर यूज करते हैं ताकि ये अच्छा लगे और अच्छा देखने में भी लगता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम जाएंगे इसमें, उसके बाद यहाँ से हम इसमें कर लेते हैं ताकि ये ब्लैक हो जाए और थोड़ा अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग अपने फ़ोटो के हिसाब से ये ब्लैक वाला रख लेते हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स फिर से चलेंगे एड फोटो में और यहाँ से फ्रेंड्स हम अपने फ़ोटो को PNG बना लिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी PNG बनाने चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जैसे अपना इस टाइप का PNG अपना फ़ोटो कोई भी फ़ोटो को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा फ़ोटो ये हो गया। अब हम यहाँ से सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रेंड्स फिर से चलेंगे इसमें और यहाँ से हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं अपने फ़ोटो को अपने बैकग्राउंड के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम फिर से यहाँ से अपने फ़ोटो को सेव करते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ से अपने शेयर वाले बटन में दबा के अपने शेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे Lightroom में और बाकी का काम Lightroom में करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम जाएंगे लाइटिंग में और यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा करके अपना फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपने फ़ोटो को लाइटिंग में कर लिए। अब यहाँ से चलते हैं कलर्स में और उसके बाद चलेंगे मिक्स टूल में, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने फ़ोटो को अपने हिसाब से कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा कलर ताकि हमारा फ़ोटो और भी अच्छा लगे। Oh, 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 oh
फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपने फ़ोटो को कलर कर लिए। अब यहाँ से डन कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से फिर अपने फ़ोटो के हिसाब से और अपने बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा थोड़ा ये सब बढ़ा लेते हैं, ताकि हमारे फ़ोटो और भी अच्छा लगे देखने में। उसके बाद फ्रेंड्स, हम चलेंगे इस वाले में और यहाँ से भी अपने थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ताकि हमारा फ़ोटो और क्लियर हो जाए और अच्छा लगे देखने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ से भी हमारा फ़ोटो हो गया। अब हम चलेंगे इस वाले में और यहाँ से ये दोनों को ऑन कर लेंगे, ताकि हमारा फ़ोटो और भी क्वालिटी बढ़ जाए और अच्छा दिखे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ से अपने फ़ोटो को शेयर कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ से शेयर करने के बाद चलेंगे स्केच बुक में। उसके बाद हम फ्रेंड्स अपना स्केच बुक में जाके, तो फ्रेंड्स स्केच बुक में आके फिर से यहाँ से हम अपने ब्रश वाले में जाके देखेंगे यहाँ पर सही है। उसके बाद हम अपने फेस को स्मूथ कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कोशिश टाइप का स्मूथ कर लेना, ताकि फ़ोटो अच्छा लगे देखने में। यहाँ से हमारा फेस स्मूथ हो गया। अब हम थोड़ा सा यहाँ से अपना हेयर लुक को सही कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम चलेंगे फिर से अपना दूसरा ऐप में और यहाँ से अपने फ़ोटो को शेयर कर लिए और यहाँ से अपने स्नैपचैट में चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अपने स्नैपचैट में जाने के बाद हम अपना फेस को थोड़ा सही कर लेते हैं, ताकि और भी अच्छा लगे हमारा फेस दिखने में और फ़ोटो भी अच्छा लगे देखने में। फ़ोटो को और अपने फेस को सही कर लिए हैं। उसके बाद हम फ्रेंड्स टूल्स में जाएंगे, यहाँ से फिर अपना नाम लिखने वाले में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वजह से बहुत अच्छे से अपना नाम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया। और फ्रेंड्स, यहाँ से हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि और भी अच्छा लगे देखने में। और थोड़े यहाँ से फिर अपना कलर चेंज कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से ब्लैक कर लेते हैं, ताकि हमारे बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा अच्छा लगे देखने में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस टाइप का फोटो एडिटिंग आप लोग भी कर सकें। तो चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।